ya está. आज हमने जो यूज़ किया है बाइट में फिशिंग के लिए, तो वो है सूजी और ड्राई केक जो आता है, ड्राई केक है, और उसमें जो गरम मसाले में जायफल आता है एक ब्राउन कलर के, वो थोड़ा सा, यानी कि अपन अगर इतना सारा इतना बाइट बना रहे फिशिंग के लिए, एक एक कटोरी सूजी है, ड्राई केक का पाउडर जो ग्राइंडर करके पाउडर बना लेना है, और सूजी को कढ़ाई में गरम कर लेना है, उसको जलने से पहले तक का भून लेना है उसको कढ़ाई में, गरम कढ़ाई में, और जायफल का मसाला जो है वो मसाला भी थोड़ा सा उसको गरम कर लेना है और पीस देना है, ग्राइंडर कर देना है। सूजी को ग्राइंडर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से पाउडर रहता है, तो उसके बाद आपको क्या करना है, बाइट के लिए उसको थोड़ा सा पानी डाल के बाइट लगाने, इतना गल में लगाने, इतना उनको बना लेना है। तो ठंडी के वक्त में अभी मछली उतनी लगती नहीं वो हिसाब से, क्योंकि तापमान आज का 24 डिग्री है, काफ़ी अच्छा है फिशिंग के लिए। तो आप चलिए, हमने फिश पकड़ लिए हैं और कल भी पकड़ा था, 5-6 किलो का था रोहू, तो वो एक्चुअली कोई साथ में था नहीं और तो वीडियो बना नहीं बराबर, मैं ज़मीन में रख रहा था तो गिर जा रहा था, उसका थोड़ा सा आप सीन देख लिए हैं। और जो दूसरा पीस पकड़ा हूँ यही बाइट से, आप अब वो देखें, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसी है, और जो सब्सक्राइब नहीं किए मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि और इससे अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे रोहू के सिलसिले में सबसे ज़्यादा, क्योंकि रोहू का कमेंट बहुत आता है, रोहू का चारा बताओ, रोहू का, तो जैसे 2-3 चीज़ें सक्सेसफुल हुआ है फिशिंग के लिए। जो आज हमने मछलियाँ पकड़ी वो आप वीडियो देखो, आराम से निकाल, एकदम आराम से निकाल, एकदम आराम से निकाल, हटा बोला उठा रहा, एकदम आराम से उठा, थका एकदम, होने ना जा दिया, एकदम आराम से ले, एकदम आराम से, एकदम आराम से, एकदम आराम से ले, लाओ ला ला एकदम, एकदम खींचे घिस ले, बस मजा आ गया, गलत जगह आ गया, एकदम मस्त, डन गुरु, चलो मशीन का पैसा वसूल है, बंसी पैसा वसूल, सामने आए बड़ी बच्चे तो मैं जय रहा, अभी कहाँ होंगे, सेम जगह पर यार, आराम से एकदम, कहीं ना जीते एक्टिविटी कम बढ़ गई तो
एकदम सामने से लेता नहीं घुरा। एक मिनट रुक जाओ, जरा हिला ना कर। मीठा भेग ले पूरा। क्या है एक नंबर दिक्कत। हाँ, अर्जुन सबसे पहले तो घर के आता।